हमारी चार बहनें थी तो वो दा, शायद है जो सदियों दादी हमारे शदाद के में था हाय चार तियां तिया किएगा हाय बशीर दिया चार तियां कौन व्याएगा किस तरह होंगी और आपको पता है अब्बा का हर दो दिन बाद नौकरी छोड़ के आ जाते थे कोई कमाई भी ऐसी नहीं थी कि हो बढ़ेगा की बढ़ेगा ये जिद्दी आदमी थे फिल्म में उन्होंने जो दो चार रुपए थे कर दिए दी। जो भी उन्होंने करना ही था तो उनको एक खौफ था कि शादियां करनी है शादियां प्रेशर था ना हुँ। बेटियों हुँ। की शादियां करनी है क्योंकि बनाया शुरू हो रही हूँ उन्होंने कैसे कबूल किया बाजी के अंदर कुछ था वो कोई और ही चीज थी और नीला बाजी तो खर ये दोनों बहनें वो तो स्वाली से से वो सवाल ही पता नहीं होता प्रोग्राम की इजाजत और मैं खलील अहमद साहब का बच्चों का नहीं होता था और उसमें वो जाया करती थी लाहौर टीवी पे और मैं साथ जाती थी मुझे कहते बहन को लेके जा वो उनको लगती थी मैं जहर कैसे मुसीबत मेरे साथ चिपकी होती है और मैं साथ

मैं फिर वहां उनका लेकिन इजाजत नहीं, 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 तो ये ये नहीं, नहीं देते अपनी मर्जी से जीने की लड़कियों को तो फिर वो ढूंढती है कि कहा हमें अपनी मर्जी से जीना पड़े मुशराबाजी के अंदर तूफानी टैलेंट था उनका दिल वो क्या दुनिया मुझे बताए ना तो वो वो बच्ची जो थी छोटी सी वो क्या करती

स्कूल के जो प्लेस थे छुप छुप के ड्रामे करती थी हम सारे देखने जाते थे छुप के लेकिन बाबा को नहीं पता था इतना वो रोती थी।, थी कहते थे लॉ पढ़ो लॉ पढ़ो कहती थी नहीं मुझे बी एन यू में जाना है मुझे फिल्म मेकिंग नहीं लॉ पढ़ो बहुत 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 टफ थे उसके बाद वही हुआ कि उसको अमेरिका से एक रिश्ता आया और वो इसने कहा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फॉरन इस लड़की ने हाँ कर दी क्योंकि उसको था कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूंगी अमेरिका न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी पढ़ूंगी मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी गलत फैसला हो गया जब गलत फैसला हुआ आठ महीने बाद वापस आ गई तो क्या हुआ ये नुकसान होते हैं इन बातों के इसलिए मैं अब अब कहूंगी और मिलजुल अगर फैसले किए जाएं उनकी रजामंदी से क्यों नहीं तो फिर ये एक ही जिंदगी एक ही जिंदगी है भाँ अगर भाँ मैं अपने मियाँ को कहूँ कि आपने पिस्तौल को गनों को संभाल के रखा हुआ है सारी गाने ऊपर पड़ी हुई हैं अभी भी, भी पड़ी हैं उनको उठा के फेंक दें लोहे की जगह पर फेंकेंगे कभी भी नहीं मैं अस्मा इस मौके पर ना आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जिस सच्चाई के साथ आपने ये शेयर किया क्योंकि आपके ज़ाती तजुर्बा और मामला थे मगर मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि इससे मेरे ख्याल में बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे खानदानों को यकीन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा देखिए बच्चियाँ गलत फैसले कर लेती हैं फिर क्योंकि उनको उनको समझ नहीं आती उनके साथ डिस्कशन करें, करें और जो करें आजादी बहुत गलत है ये अच्छी